बाजार भले ही उतार चढ़ाव का शिकार हो, लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर लोगों का भरोसा अभी भी बरकरार है। म्यूचुअल फंड की संस्था AMFI के आंकड़े बताते हैं कि जून 2022 में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में नेट इनफ्लो के लिहाज से लगातार मजबूती का ट्रेंड बना हुआ है। ओपन एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीमों में टोटल नेट इनफ्लो 15,497 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले महीने ये आंकड़ा 18,529 करोड़ रुपए का था। मार्केट एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड फ्लो से पता चलता है कि मार्केट में उतार चढ़ाव के बावजूद लंबे वक्त में रिटर्न के लिए इन्वेस्टर्स अपनी पूंजी इक्विटी वाली म्यूचुअल फंड स्कीम्स में लगा रहे हैं। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि इन्वेस्टर ऊंची महंगाई में अपने पोर्टफोलियो से ज्यादा रिटर्न पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब डेट म्यूचुअल फंड्स की बात आती है तो एक अलग ही ट्रेंड दिखाई दे रहा है। गुजरे दो महीने में डेट फंड्स से आउटफ्लो हुआ है। जून में डेट ओरिएंटेड फंड से 92,247 करोड़ रुपए का आउटफ्लो हुआ है। इससे एक महीने पहले इन फंड से 32,722 करोड़ रुपए की नेट निकासी हुई थी। कैटेगरी के हिसाब से देखें तो ओवरनाइट फंड्स में 20,668 करोड़ रुपए, लिक्विड फंड्स में 15,782.64 करोड़ रुपए और अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में 10,057.99 करोड़ रुपए की निकासी हुई है। अब बात ये आती है कि आखिर डेट म्यूचुअल फंड्स में निकासी की क्या वजह है। दरअसल इन फंड से निकासी की एक अहम वजह इन्वेस्टर्स की शॉर्ट टर्म पूंजी की जरूरतें हैं। भारत के महिलाओं के लिए बने पहले फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म LXME की फाउंडर प्रीति राठी गुप्ता कहती हैं कि मौजूदा वक्त में बाजार के हालात में ऊंची महंगाई और बढ़ती ब्याज दरों के चलते लोग अपनी पूंजी निकाल रहे हैं। इसके साथ ही आउटफ्लो की प्रमुख वजह क्या है इसकी बात करें तो AMFI के चीफ एग्जीक्यूटिव NS वेंकटेश कहते हैं कि आउटफ्लो की एक बड़ी वजह एडवांस टैक्स पेमेंट के लिए कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स की निकासी रही है। वेंकटेश कहते हैं कि कॉर्पोरेट्स ने तिमाही के अंत में डेट निवेश से पैसा निकाला है ताकि वे एडवांस टैक्स का पेमेंट कर सकें। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। दुनिया भर में महंगाई और अमेरिका में मंदी की चिंता से ओवरऑल बाजार का मूड सेट हो रहा है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगस्त में रिजर्व बैंक 35 से 50 BPS तक रेट बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ बढ़ती ब्याज दरें, कमजोर होते रुपए और ठीक ठाक मॉनसून समेत बढ़ती महंगाई के बावजूद छोटे निवेशक SIP रूट से अपने निवेश को छोड़ नहीं रहे। जून 2022 तक SIP अकाउंट्स 5.54 करोड़ रुपए पर है। ये आंकड़ा अपने ऑल टाइम हाई पर है। साथ ही SIP के जरिए मंथली कंट्रीब्यूशन भी 12,776 करोड़ रुपए के मजबूत लेवल पर बना हुआ है। खैर, अब बात आती है कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। क्वांटम म्यूचुअल फंड के फिक्स्ड इनकम के फंड मैनेजर पंकज पाठक कहते हैं कि छोटे होल्डिंग पीरियड और कम जोखिम लेने की हैसियत वाले इन्वेस्टर्स को लिक्विड फंड जैसी कैटेगरीज पर टिके रहना चाहिए। इसके साथ ही एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि 2-3 साल से ज्यादा के होल्डिंग पीरियड वाले इन्वेस्टर्स को डायनेमिक बॉन्ड फंड्स पर फोकस करना चाहिए। इन फंड्स में बाजार के हालात के हिसाब से पोर्टफोलियो में बदलाव करने की सहूलियत मिलती है। मनी9 के लिए हिमानी पटेल के साथ प्रवीण शर्मा।